हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सरम। क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसाइड। ये तीनों में से क्या होगी वो हमें बताना है। तो हमारे पास जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सारे इक्वेशन को हम सेपरेटली लिख देते हैं। तो ए वन फर्स्ट इक्वेशन जो 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, उसके x1 के एक्स के कोफिशियंट को ए वन कहेंगे, ए वन इज इक्वल टू 9 है। y के कोफिशियंट को बी वन कहते, तो y की कोफिशियंट क्या है 3 है, c1 इज इक्वल टू क्या है 12 है। नाउ जो आपको सेकेंड इक्वेशन में 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0 में a2 इज इक्वल टू x का कोफिशियंट क्या है 18, b2 इज इक्वल टू y का कोफिशियंट क्या है c, और c2 यानी कि 6, और c2 यानी कि क्या है जो कॉन्स्टेंट नंबर कितना है 24। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है उसके कोफिशियंट का रेशियोज। ए वन अपॉन ए टू, ए वन कितना है 9, 9 अपॉन ए टू कितना है 18, 9 टू जो 18 होता है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1/2। बी वन अपॉन बी टू करेंगे तो 3/6, 3 टू जो 6 होगा, तो ये भी क्या मिलेगा 1/2। और सी वन अपॉन सी टू करेंगे तो वो भी क्या होता है 12/24, 12 टू जो 24 होता है, तो वो भी 1/2। सो यहाँ पे ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ये जो तीनों का कोफिशियंट का रेशियो है वो कैसा है, इक्वल है। तो इक्वल किसके लिए है, अब वो आपको याद रखना है। जो तीनों का रेशियो यदि इक्वल मिलता है तो कौन सी लाइन होगी, कौन से पेयर ऑफ द इक्वेशन होगी, तो लिनियर होगी, सॉरी कोइंसाइड होगी। कैसे होगी कोइंसाइड, इट्स फॉर कोइंसाइड लाइन। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ कोइंसाइड लाइन, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपका इंपॉर्टेंट रिव्यू हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज़।